श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव शंभु। भटिंडा पंजाब में शुरू हुई शिव महापुराण श्री संत शिव महापुराण कथा श्री गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो चुकी है। आज कथा का पांचवा दिन था। आज पांचवे दिन की कथा पूर्ण हुई। यह 7 दिवसीय सी महापुराण कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी से आस्था और यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो इससे पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरु जी ने शरीर में होने वाले दर्द अथवा शरीर में होने वाले कहीं भी कष्ट के बारे में उसे दूर करने वाले कष्टों से मुक्ति पाने वाले उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरु जी ने आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो उनके लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। कथा में गुरु जी ने कुल मिला के 5 उपयोग की जानकारी दी है, 5 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जानकारी दी है। साथ ही कल 9 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में कल का दिन है साल का पहला प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और त्रयोदशी का दिन भी अति उत्तम है। साथ ही गुरुजी के बताए हुए आप क्या उपाय कर सकते हैं इस विषय में गुरुजी ने जानकारी दी। इन उपायों की जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज का वीडियो और आज के उपाय इसलिए विशेष है कि आज कुल 10 उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। 5 उपाय कल 9 जनवरी मासिक शिवरात्रि के हैं और 5 उपाय आज की वीडियो में आज की कथा में जो गुरुजी ने बताए हैं वह हैं। कुल मिलाकर 10 उपाय हैं। उपायों को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आज पांचवे दिन की कथा श्री संत शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। कल की वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि कुबेरेश्वर धाम किस भाग में आता है मध्य प्रदेश के, तो इसका उत्तर है पहला भोपाल। और आज के वीडियो का यह प्रश्न है कुंदुक किस भगवान का शस्त्र है, पहला कार्तिकेय जी का, दूसरा गणेश जी का। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट द्वारा भी आप हमें दे सकते हैं और इसका सही उत्तर हम आपको कल की वीडियो के माध्यम से दे देंगे। बढ़ते हैं कथा की आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। सोमा जी फिरोजपुर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम आपके गुरुजी पिछले 4 वर्षों से शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उसे चोट लगी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि यह बचेगा या नहीं बचेगा, यह ठीक होगा कि नहीं, यह कुछ कह नहीं सकते हैं। 10 दिन तक उसे वेंटिलेटर में रखा गया। सर में इतनी भयानक चोट लगी थी कि उसकी बॉडी ने कार्य करना बंद कर दिया था, पूरा पैरालिसिस जैसा हो गया था। हमने शिवलिंग का चढ़ा जल उसके मुंह पे फेरना शुरू किया, उसके चेहरे पे लगाना शुरू किया। शरीर में पैरालिसिस होने के कारण उसके शरीर में कुछ भी हलचल नहीं थी, कुछ भी मतलब हाव भाव नहीं हुआ, कुछ भी हिलना डुलना नहीं हुआ। उसके बाद हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन कर और वहां पर दर्शन कर वहां से रुद्राक्ष लेकर वापस आ गए और हमने बाबा से प्रार्थना की। सुना था कि रुद्राक्ष का जल 1 महीना देने से ही बाबा 1 महीने में ही सुन लेते हैं, पर हमने 3 महीने तक लगातार रुद्राक्ष का चढ़ा जल और बेटे को पिलाया और चेहरे पर लगाया और मेरा बेटा 1 महीने में ही ठीक हो गया। हाँ, अब ठीक से चल फिर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की आज की दूसरी जानकारी की ओर। पारू शर्मा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं और मेरी बहन आपकी शिव महापुराण कथा सुनते हैं। जीजा जी को डॉक्टर ने 3rd स्टेज का कैंसर बताया और उनका ऑपरेशन करने को बोला। हमने उनका ऑपरेशन कराया, उसके बाद भी उनको आराम नहीं मिला। और कुबेरेश्वर धाम जाकर हम रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष का जल चढ़ा शिवलिंग पर चढ़ाते थे और उसे प्राप्त करके जीजा जी को पिलाने लगे। हमने कुछ महीने तक ऐसा किया और फिर से हमने 15 दिन तक हमने लगातार ऐसा किया। फिर उसके बाद हमने फिर डॉक्टर के पास गए और उनकी जांच कराई तो सभी जांचें उनकी नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, तो उस पर गुरु जी ने कहा आप पर कष्ट इसलिए है कि आप कहते हो कि आप अकेले हो। आप अगर ये कहना शुरू कर दोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ महादेव हैं, तो आपको किसी बात का कष्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और रोज शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिए और सीना ठोक के कहिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ महादेव हैं। फिर देखिए आपको कैसे सफलता प्राप्त होती है।
बढ़ते हैं ऐसी कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। कथा में गुरु जी ने कहा कि हम सीहोर का रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं देते हैं और ना ही किसी को देते हैं बांटने के लिए। अगर आपसे कोई बोले कि उसके पास सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो वह झूठ बोल रहा है, उस पर विश्वास कभी ना करें। सीहोर का रुद्राक्ष ना तो आपको बस स्टैंड से मिलेगा, सीहोर का रुद्राक्ष ना तो आपको रेलवे स्टेशन से मिलेगा, सीहोर का रुद्राक्ष ना तो आपको पंडाल के बाहर पंडाल प्रांगण जो रुद्राक्ष मंदिर पूजन में शिवरात्रि के दिन पूजा में अभिमंत्रित किए जाते हैं, पूजन किए जाते हैं, वह रुद्राक्ष आपको मंदिर प्रांगण के अंदर से बिटलेट सेवा समिति द्वारा आपको प्राप्त होगा और वह भी फ्री में। रुद्राक्ष फ्री में बांटे जाते हैं और इसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। इसके बाद गुरु जी ने कुछ जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष शिवरात्रि में हमने रुद्राक्ष जो है सिद्ध किए थे वे अब पूर्ण होने वाले हैं। अब विराम की ओर हैं। 14 फरवरी से रुद्राक्ष का वितरण होगा और 15 फरवरी से बंद हो जाएगा। तो आपने अगर रुद्राक्ष नहीं लिया है तो अभी आप कुबेरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष आप ले सकते हैं, वह भी फ्री में। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने विशेष जानकारी दी कि 15 मई से फिर से रुद्राक्ष वितरण होंगे। 15 मई 2024 से रुद्राक्ष वितरण होंगे। इसके बाद गुरुजी ने विशेष जानकारी दी कि 7 मार्च से 14 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में फुलेरा दूज के अवसर पर, मासिक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव रखा गया है, जिसमें रुद्राक्ष का वितरण तो नहीं होगा पर शिव महापुराण की कथा होगी। इसके बाद गुरुजी ने सभी को सीहोर में होने वाली महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा में आमंत्रित किया है। यदि आप कथा को सुनने वहां जा रहे हैं तो आप कमेंट के जरिए अभी आप मुझे बता सकते हैं। बढ़ते हैं ऐसी कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। अगर आप दवाई खाते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाई खाएं। अगर आप दवाई खाते हैं और दवाई खाते खाते थक चुके हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो आपको करना क्या है, दवाई जब भी खाएं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दवाइयां खानी है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप दवा खाएं और दवा देखिएगा आपको कैसे चमत्कार होगा, दवा आपके काम आना शुरू हो जाएंगे, दवा आपके रोग में असर करना दिखने लगेगा और आपको राहत मिलने लगेगी। साथ ही गुरुजी ने एक और विशेष जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको लग रहा है बहुत तेज बुखार आ रहा है तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा जल लेना है और उसको गीला एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े को उस जल को जल से गीला कर लेना है और वह गीला कपड़ा आपको जिस व्यक्ति के बुखार आ रहा है उसके शरीर में फेर देना है। उस बीमार व्यक्ति को बुखार जिसके आ रहा है तो उसको उसमें राहत देखने को मिलेगी आपको। बढ़ते हैं कथा की आज की छठी विशेष जानकारी की ओर। सरोज जायसवाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया और हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। उसके बाद उन्हें दूसरा अटैक तुरंत आ गया। डॉक्टर ने दवाइयां दी, हमने वह दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए देना शुरू करी। पहले जो दवा डॉक्टर ने दी थी तो वो दवा काम नहीं कर रही थी। जब हमने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयां देना शुरू करी तो वह दवा अपना काम करने लगी। शिवलिंग का चढ़ा जल भी उन्हें देना शुरू किया और बेलपत्र भी देना शुरू करा। हार्ट जो है 25% जो काम कर रहा था अब वह ठीक हो गया है। अब वह ठीक से स्वस्थ हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की आज की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू जी पत्र लेकर आई थी, इसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बेटी जिद कर रही थी कि मुझे बाहर जाकर कुछ करना है। बेटी को बाहर दूसरी कंट्री में जाकर कुछ करना है, पढ़ाई अथवा कुछ भी करना है तो वो बाहर कंट्री में करना है। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने कुछ पंडितों को बेटी की जन्म कुंडली भी दिखाई थी, पत्रिका भी दिखाई थी, लेकिन सभी पंडितों ने यह कह दिया था कि इसका कोई भी बाहर जाने का योग नहीं बन रहा है, इसको बाहर जाने का योग नहीं है। मैंने अपनी मम्मी के घर में शिव महापुराण कथा आपकी पहली बार सुनी और मैंने पशुपति व्रत भी किए। सोमवार पशुपति व्रत करने के बाद भी मेरी बेटी का वीजा क्लियर नहीं हुआ। मेरी बेटी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज झूठा है, आपने पशुपति व्रत भी किया तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि मैंने किया, मैंने पशुपति व्रत किया, मैंने पूजा की, लेकिन तूने तो कुछ नहीं किया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू जा, तू पशुपति व्रत कर, तू शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ा के आ।
ये किया, वह शिवालय जाकर रोज एक लोटा जल समर्पित करने लगी और शिवालय की मंदिर की सफाई भी करने लगी। उसके बेटी का क्लियर हो गया वीजा और आज बेटी कनाडा में जॉब कर रही है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पति को 2 वर्ष से सर में दर्द होता था पर कारण कुछ भी समझ में नहीं आया। MRI कराई तो डॉक्टर ने गठान बताई, ऑपरेशन करने को बोला। अभी बोल दिया कि ऑपरेशन के बाद सुधि आएगी या नहीं यह भी नहीं कह सकते। इसके बाद पड़ोस के एक लड़के ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। सीहोर से रुद्राक्ष को लाने को कहा। हम सीहोर गए और कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आए। हम कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष का चढ़ा जल शिवलिंग पर चढ़ाया और उसे प्राप्त कर हमने अपने पति को देना शुरू किया और थोड़ा सा जल सिर में लगाना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद जांच फिर से कराई तो उसके बाद गांठ नहीं निकली और पति मेरे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं कथा की आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि 23 वर्षों से पूरे शरीर में उन्हें एलर्जी थी, स्किन की बीमारी थी। कई जगह दिखाया पर उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। फिर आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग का बेलपत्र चढ़ाती और बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाती और जल का आचमन किया और अपने शरीर में लगाया और बेलपत्र भी खाई। बाबा की कृपा से मेरा रोग ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कथा में कि कुंडुक एक ऐसा अस्त्र है जो एस की भांति का होता है, एस की तरह होता है, जो गणेश जी के हाथ में आपने देखा होगा। एस की आकृति का होता है और गणेश जी के हाथ में आपने देखा होगा। गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति वैश्यावृत्ति में रहता है, नशा करता है, हमेशा नशे में धुत रहता है, गलत आदतों में रहता है, अपशब्द बोलता है, बुरी लत लग गई हो उसको, तो आपको करना क्या है, 7 दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गणेश जी को आपको 7 दूर्वा अर्पित कर देना है। 7 दूर्वा आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गणेश जी को चढ़ाना है और गणेश जी को चढ़ाने के बाद फिर आपको गणेश चंद्र, उसके बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? चंद्र गणेश जी का नाम लेना है। आप कई दिनों तक करें और देखिए फिर आप चमत्कार व्हील चेयर से आप खड़े हो जाएंगे और आपके शरीर में जो भी जख्म है, जो भी दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, वह दूर हो जाएगा। सुबह उठकर आप ये सरल छोटा सा उपाय आप करके लाभ पा सकते हैं। बस जल का आचमन करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ताकि आज की अगली विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरु जी ने बच्चों के लिए एक नए विशेष उपाय की जानकारी दी। इसलिए यह विशेष जानकारी देते हुए कहा कि जो बच्चे मंद बुद्धि के हों, बच्चों का विकास नहीं हुआ हो, जो बच्चों का बुद्धि काम नहीं कर रही हो, फिर बच्चे का विवेक काम नहीं कर रहा हो, वह बिस्तर पे गंदगी कर दे रहा हो, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको उपाय यह करना है कि गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो उसके बछड़े के मुंह में जो दूध का जो फेन लग जाता है, फेन को आपको चम्मच में उतार लेना है और अमावस्या के दिन बच्चे को पिला देना है। यह उपाय आपको 4 या 5 अमावस्या आप करेंगे और आप देखेंगे आपको लाभ मिलने लगेगा। बच्चे का विवेक काम करने लगेगा, बच्चे की बुद्धि काम करने लगेगी, बच्चा धीमे धीमे स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगेगा। यह उपाय आप गुरुवार 11 जनवरी पौष अमावस्या के दिन से शुरू करके आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं ऐसी कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, सफेद पुष्प और बेलपत्र के साथ आपको एक उपाय करना है। आपको बेलपत्र और सफेद पुष्प लेकर शिवालय जाना है और शिवालय पर आपको शिवलिंग पर बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है और उसके बाद आपको पुष्प उठाना है और पुष्प उठाकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है। इसके बाद बेलपत्र की जड़ की मिट्टी को लेकर आपको उठा लेना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आपको बेल पुष्प सफेद पुष्प नहीं उठाना है, सिर्फ जरा सी मिट्टी उठानी है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और इस मिट्टी को आपको घर लेके आना है। घर के अंदर मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर आपको लगा देना है, बस इतना ही करना है। में लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, गृह क्लेश नहीं हो सकता, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। यह विशेष उपाय भी किसी भी दिन से कर सकते हैं। कल मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष भी है, आप कल से भी शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। जी ने सभी से कहा कि अगर पेट में गांठ हो गई हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो, फिर शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की गांठ हो गई हो, तो यह उससे उपाय के बारे में एक विशेष जानकारी दी।
इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दूर्वा और 1 बेलपत्र लेना है। आपको 1 बेलपत्र 7 दूर्वा लेकर शिवालय पहुंच जाना है और 1 बेलपत्र आपको विशेष तरीके से आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र को उत्तरमुखी होकर अर्पित करें, मतलब आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है और तब आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसमें बेलपत्र आपको दूसरी तरीके से अर्पित करनी है। बेलपत्र का जो चिकना पार्ट होता है, पहले आप वैसे अर्पित करते थे, चिकना पार्ट शिवलिंग पर टच होता था, लेकिन अब दूसरी प्रकार से करनी है। चिकने पार्ट के ऊपर आपको चिकने भाग की तरफ आपको 7 दूर्वा रखनी है, तब आपको बेलपत्र उल्टी ही आपको समर्पित करनी है। मतलब जो खुदरा वाला जो पार्ट होता है वह शिवलिंग पर टच होगा और चिकने वाले पार्ट के ऊपर आपको 7 दूर्वा रखनी है और उसी प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद बेलपत्र और दूर्वा आपको भोलेनाथ से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण अवश्य करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको 7 दूर्वा और 1 बेलपत्र प्राप्त कर लेनी है और घर चले आना है। और उसी दिन से आपको 1-1 दूर्वा आपको 7 दिन तक लगातार खानी है और 7 दिन तक दूर्वा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1-1 दूर्वा आपको खानी है और 8वें दिन आपको फिर बेलपत्र खानी है। यह उपाय आप सोमवार प्रदोष या मासिक शिवरात्रि से भी आप कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। बढ़ते हैं आज की कथा में। गुरुजी ने 5 अलग अलग तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के तरीके बताए थे। 5 अलग अलग तरीके से आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो 5 अलग अलग तरीके से और अलग अलग उपाय हैं जिससे आपको अलग अलग उपायों से अलग अलग लाभ होंगे। कल 8 जनवरी मासिक शिवरात्रि, प्रदोष और त्रयोदशी है, तो ये 3 तिथियां हैं। 3 तिथियां एक साथ आ रही हैं। कल यानी 8 जनवरी को आपको यह उपाय करना है। आपको 5 तरीके से जल अर्पित करने में से एक तरीका यह है कि आपने पहला जल आप लेके गए हैं और सीधे आपने शिवलिंग पर जल समर्पित कर दिया, ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा तरीका यह है कि आपको उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ये दूसरी तरह का जल अर्पित करने का तरीका है। इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और आपके रुके कार्य पूरे होंगे। तीसरा तरीका यह है जल चढ़ाने का कि आपको बैठना दक्षिण दिशा की तरफ ही है उत्तरमुखी होकर और आपको जल लेना है। 1 लोटे में आपको जल लेना है और अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जल थोड़ा सा चढ़ाना है और वहां से चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग की तरफ आना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल आपको चढ़ा देना है। या गुरुजी ने कहा कि आपको अपने कार्य सिद्धि होने के लिए, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त पाने के लिए यह उपाय करना है। कहा कि अगर आपको अपने परिवार से किसी से आस नहीं है, किसी से कोई कार्य नहीं लेना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तो आपको अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, कार्य पूरे होने के लिए आपको ये उपाय करना है। अशोक सुंदरी के ऊपर से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग पर पूरा जल चढ़ा देना और अपने कार्य के लिए निकल जाना है, तो सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। चौथा तरीका गुरुजी ने यह बताया है कि आपको 5 स्थान पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग के 5 स्थान पर जल अर्पित करना है। पहला स्थान गणेश जी के स्थान पर आपको जल थोड़ा सा अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। ये हो गया 3 स्थान और चौथा स्थान माता के हस्त कमल कटी भाग में आपको जल अर्पित करना है। चौथा स्थान और 5वां स्थान शिवलिंग पे आपको बाद में पूरा जल समर्पित करना है। इस प्रकार से आप जल अर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और 5वां तरीका है यह है कि आपको जलाधारी जो ऊपर बंधी होती है, जो बूंद बूंद जल जो शिवलिंग पर टपकता है, तो वो स्थान शिव बाबा की 5 पुत्री का स्थान है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। बाद में अशोक सुंदरी माता के ऊपर आपको जल चढ़ाना है और उसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ऐसा आपको अपनी मन की मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है और अपने घर को चले जाना है। गणेश का स्मरण करना है, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लेना है जो नशे में डूबा हुआ है, बुरी आदतों में है, तो उसका नाम लेना है और बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना। 7 दूर्वा में से आपको 1 दूर्वा उठा लेनी है और उसको घर लेके आ जाना है और वह दूर्वा उस व्यक्ति को खिला देनी है। और अगर वह व्यक्ति नहीं खाता है तो उसे आप दूर्वा को उसके भोजन में मिलाकर खिला सकते हैं। नशा से वह स्वयं फिर धीमे धीमे दूर हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की आज की 11वीं
बारहवीं विशेष जानकारी की ओर। नए और सरल उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर आपके शरीर में समस्या है, कि शरीर में कष्ट है, दर्द है, आप व्हील चेयर में चल रहे हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट और दर्द है, तकलीफ है, आपके अंग कोई काम नहीं कर रहे हैं, शरीर में तकलीफ है, तो गुरुजी ने यह उपाय बताया कि सुबह आप जब एक गिलास पानी पीते हैं तो आपको एक गिलास पानी लेना है सुबह के समय और थोड़ा सा हथेली में आपको ले लेना है। उसके बाद कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्नान करते हुए वह पानी आपको पी लेना है। उसके बाद गिलास का पूरा पानी भी आपको फिर बाद में पी लेना है। उसके बाद आपको रोज ये कई दिनों तक आपको लगातार यह उपाय आपको करना है। अगर मेरे द्वारा दी गई ये कुछ उपयोगी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक लिए मिलते हैं कल अगली कथा में और नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभू।